तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे पनीर टिक्का बाइट की तैयारी कर दी है। अब हमें बंदा सोच रहा है मन ही मन में, वाह आज तो पनीर टिक्का खाएंगे, फिर बाद में पता चला बाइट्स। सच में नहीं खानी, खानी है, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए ये है बाइट। मजा आ गया मामू। क्या मजेदार चीज बन रही है ये देखो कचौड़ी। अरे वाह आलू की सब्जी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो कल थी 26 जनवरी और 26 जनवरी पर रुद्रांश ने परफॉर्मेंस करी थी डांस की फर्स्ट टाइम, और बहुत अच्छी करी थी सच में। उसके सर ने ना बहुत अच्छा सिखाया था, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड थे और एक्शन भी बहुत अच्छे कर रहे थे, एनर्जी के साथ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस देख के। कल सुबह उसका प्रोग्राम था 10:30 बजे के बीच में, तो कल मैं जल्दी जल्दी उठी, फटाफट सारा घर का काम खत्म किया एंड रेडी हुई और भाग भाग के मैं पहुंच गई। मैंने कहा मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो उसकी परफॉर्मेंस निकल जाए, फिर अच्छा नहीं लगता ना। बच्चा बड़ा प्यार से बोला था, मामी आप मेरी परफॉर्मेंस देखने आओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊँगी। तो कल बहुत अच्छा दिन बीता हम लोगों का, और मैं उसकी ना थोड़ी सी क्लिप इस वीडियो में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना रुद्राक्ष की परफॉर्मेंस। और आज मिनी दीदी घर पे आ रही है हमारे, तो बस मैं थोड़ी बहुत कुकिंग की तैयारी कर रही हूँ। साथ में हमें लाइव भी जाना है आज, तो लाइव तो जाएंगे शाम को 6:00 पे, और बाकी मैं थोड़ा बहुत कुकिंग कर रही हूँ उस टाइम। रुद्रांश के लिए आज मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का बाइट। पनीर टिक्का बाइट के लिए ये कैप्सिकम मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिए, अनियन कर लिए और पनीर कर लिए। इन सबको मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि जब आएंगे तभी बनाएंगे गरम गरम। और इधर क्या है, ये मूंग की दाल ले रखी है, थोड़ी सी उड़द की दाल, इसको भूनूंगी क्योंकि बनेंगी घर में आज कचौड़ी। मेरी दीदी की फेवरेट है कचौड़ी, मैंने उनसे पूछा था आप कचौड़ी खाओगे, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कचौड़ी तो मेरी फेवरेट है भाभी। साथ में मैं बना रही हूँ बथुए का रायता, तो उसके लिए बथुआ पीस लिया है मैंने। पनीर टिक्का बाइट के लिए मैं सबसे पहले पनीर को ना मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पर लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है एंड इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और इसके बाद मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ उड़द की दाल की, जो हम लोग कचौड़ियाँ बना रहे हैं उड़द और मूंग की दाल की, उसके लिए हमें फ्राई करना है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इधर मैंने जो दाल पीसी है उसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, देगी मिर्च थोड़ी सी, गरम मसाला इसमें मैं डाल रही हूँ। और हाँ, दाल पीसते समय मैंने इसमें 2 हरी मिर्च और अदरक भी डाली थी जिससे कि वो इसी के साथ पिस जाए। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, थोड़ी मैंने इसमें हींग डाली है, थोड़ी सी खटाई डाल रही हूँ। तो यहाँ पर स्पून का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मैं ये 4 डाल दूंगी लगभग। अगर आपकी स्पून का साइज़ नॉर्मल है तो आप 1 से 1.5 डाल सकते हो। सौंफ बहुत मेन रोल प्ले करती है कचौड़ियों में, तो 1, 2, 3 और 1 ये 4 देसी घी बहुत थोड़ा सा, उस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे कच्चा भी भर सकते हो पूरियों में, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई करके भरती हूँ, उससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। पैन रखने के बाद उसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाल रही हूँ, हल्का सा ऑयल डाला है, थोड़ा देसी घी मिला लिया है। कचौड़ी का आटा लगाने के लिए लगभग 2 कटोरी आटा चाहिए, 2 कटोरी के लगभग ही मैदा चाहिए, थोड़ी सी गिर भी गई इसमें तो आधी कटोरी ही डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी गिर चुकी है थोड़ी सी। 1 कटोरी सूजी, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इससे बहुत अच्छी बनेंगी, करारी बनेंगी एकदम, कचौड़ियाँ जो हैं हलवाई जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे स्टाइल में बनेंगी ये वाली कचौड़ियाँ। सूजी से इसमें करारापन आ जाता है,
इधर अगर आप देखेंगे दाल भी जो है भुनना स्टार्ट हो गई है, इस तरीके से करारा सा पन आ गया, उसके ऊपर एक पपड़ी सी जमने लगी है। तो यानी कि दाल जो है इससे ज़्यादा ड्राई हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई जब हो जाती है तो फिर कचौड़ी में भरते समय बिखरती है। थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ कचौड़ी के आटे में, और इसको मैंने थोड़ा सा हथेली में क्रश सा कर लिया है, एंड देन इसमें खुशबू बनी रहती है तो इसीलिए इस तरीके से डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा मोयन के लिए मैं इसमें ऑयल मिला रही हूँ, और वो मैंने कुकिंग ऑयल ही लिया है। आप चाहो तो देसी घी भी मेल्ट करके ले सकते हो, वो भी बढ़िया रहेगा कचौड़ियों के लिए। और उसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैंने थोड़ा सा हल्का गुनगुना सा पानी लिया है, बहुत ही हल्का सा, और उससे मैंने ये आटा लगा लिया है। और आपको इस आटे को इस तरीके से लगाने लेना है जैसे कि आप रोटी का आटा हल्का सा लगाते हो ना, सॉफ्ट सा, वैसा कर्रा नहीं लगाना है वरना कचौड़ियाँ फटेंगी बनाते समय। जल्दी आ, छोड़ी आता है कि नहीं आता, छोड़ी आ, जल्दी 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 आ गया, मंदिर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पनीर टिक्का बाइट बना रही हूँ सबसे पहले मैं, उसमें लगा रही हूँ मैं सबसे पहले हरे धनिए की चटनी, और रुद्रांश आ चुका है, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उससे ना टेस्ट अच्छा आएगा चटपटा सा। और सच पूछो तो मेरे पास ज़्यादा धनिया नहीं था, फिर भी मैंने थोड़े से धनिया से फटाफट चटनी बनाई, मैंने कहा ठीक है इसके बिना टेस्ट नहीं, मज़ा नहीं आएगा। और इसमें हम वो सॉसेज लगा लेंगे जो हमारे पास फ्रिज में रखी हुई है, जो भी आपको पसंद है कुछ भी लगा सकते हो, सॉस का कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही लगानी है पर्टिकुलर। इसके बाद मैं लगा रही हूँ थाउजेंड आइलैंड। हेलो मम्मी, आप क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए बना रही हूँ पनीर टिक्का बाइट। पहले शुरू में कोई इंसान बोल रहा है पनीर टिक्का बाइट, गाइस आज हम खाएंगे पनीर टिक्का। और फिर क्या खा लिया उसने? फिर वो बंदा सोच रहा है मन ही मन, वाह आज तो पनीर टिक्का खाएंगे, फिर बाद में पता चला बाइट्स। हाँ तो ये टेस्टी लगेगी, डिफरेंट चीजें खानी चाहिए ना। वो बंदा बेचारा गम में चला गया। सच में नहीं खानी? खानी है, बहुत अच्छा बनता है। मैं तो खाता हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, उस मफिन को भी बड़ी अच्छी लगती है। बच्चों का तो फेवरेट है। हाँ मैं झूठो ही बोलता हूँ, बच्चे मन के सच्चे। बाय गाइस, बच्चा बेचारा सोचे बैठा हुआ है कि हम पनीर टिक्का खाएंगे, लेकिन मिल रहा है खाने को उसे पनीर टिक्का बाइट। तो मैंने कहा तुम बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं वही दे दूंगी। हाँ। तो कह रहे नहीं बच्चे मन के सच्चे होते, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं खा लूंगा। बदमाश है लड़का। देन मैं लगा रही हूँ उसमें चिपोटले सॉस, ये भी विवा की है। टेस्ट करा कैसी होती है चिपोटले सॉस की? अच्छा, सोच रही थी मंगाने के लिए। पैरी पैरी भी अच्छी है, चिपोटले भी अच्छी है इसकी, और आप वो भी ट्राई कर सकते हो उसकी, वो स्वीट अनियन सॉस, वो भी बहुत टेस्टी होती है। अब मैं लगा रही हूँ पैरी पैरी सॉस। तो ये मैंने तीन चार तरह की सॉसेस लगा ली हैं, एंड देन अब हम प्लेस करेंगे पनीर टिक्का, एंड देन उसके बाद इस पर खूब सारा चीज़ भी डलता है। अब इन ब्रेड को बहुत अच्छे से सजा देना है, यहाँ पर लगाने हैं पनीर के पीस। एक साइड में आप अनियन लगा सकते हो, दूसरी साइड में कैप्सिकम लगा सकते हो या टमाटो लगा सकते हो। सारे के सारे स्लाइस मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। अच्छा मैं इसमें चिली नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने चिली में इसे मैरिनेट करा था, तो हम इस पे डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब पर ब्लैक पेपर, और आप वो भी डाल सकते हो ऑरिगेनो। नॉइस, ऑरिगेनो भी मैं लाती हूँ ढूंढ के। और अब हमें इसमें डालनी है खूब सारी चीज, ठीक है? ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे पनीर टिक्का बाइट क्यों बोलते हैं, तो जब ये बन जाएगा देन इसे इस तरीके से हम कट करेंगे, तो एक एक जो है ब्रेड का पीस वो बाइट की शेप में आ जाएगा, मतलब एक बाइट में आप खा सकते हो। हाँ, और रुद्राज मेरे साथ ये बनवा रहा है। मैं मोरल सपोर्ट थी। तो
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे पनीर टिक्का बाइट की तैयारी कर दी है। अब हमें इसे ओवन में डालना है, लेकिन उससे पहले इस मफिन को हटाना पड़ेगा। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है किचन में बैठने में, खुशबू आती है ना इसलिए। मफिन जरा पीछे जाओ, मम्मा को ट्रे लगानी है। देखो सुनता बहुत है, मतलब आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। मफिन थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे। हम लोग लाइव में गए थे, आप लोगों से खूब सारी मीठी मीठी बातें करी, खूब मजा आया आपकी कमेंट्स पढ़ने के बाद, आप लोगों के साथ चैटिंग करने के बाद। ओके, टाइमर भी पूरा होने वाला है, मैंने 15 मिनट के टाइमर पे लगाया था लगभग, और चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है और पनीर भी हमारा लाल लाल हो गया है। ओ वाओ, ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में। ये देखिए, ये है बाइट, तो आप इसे एक बाइट में खा सकते हो, इसीलिए इसको चीज़ी पनीर टिक्का बाइट बोलते हैं। मम्मी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। बोलो। ये पनीर टिक्का नहीं, वो बाइट नहीं, ये बाइटा लग रहा है। बाइटा लग रहा है, बड़ा बाइट है। नहीं, तुम्हारे हिसाब से बनाया मैंने। मैं ट्राई करके देख लूँ। हाँ ट्राई कर लो। गर्म तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, अभी ट्राई कर लो। लो ये प्लेट ले लो। इसमें कितना ज्यादा स्टोर निकल रहा है, ये लो प्लेट लेके खा लो। गरम है थोड़ा सा, ध्यान से खाना। बड़ी जल्दी बता दिया। मजा आ गया मामू। तो मैं अभी प्लेट में लगा के लाती हूँ, फिर खाना आराम से बैठ के, ठीक है। ये देखिए कितने लाजवाब बने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये, जरूर ट्राई करिएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो लो ना। बहुत अच्छे बनाए ये चीज़ भाई, बहुत अच्छे। अच्छे, थैंक यू। अभी टाइम हो गया है डिनर का, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल रख दिया, दूसरी तरफ कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ हींग जीरे वाले आलू, जो कि बहुत क्विक बन जाएंगे और इसके साथ अच्छे भी लगते हैं। वैसे मटर पनीर भी बना सकते हो आप, लेकिन पनीर हम लोगों ने स्नैक्स में खा लिया था तो इतना मन नहीं था। तो इसमें जीरा, हींग और मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए थे कटे हुए, उसके साथ थोड़े बेसिक मसाले, और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें टेस्ट लाती है वो है खूब सारा अदरक और हरी मिर्च। थोड़ा सा ना उसको अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लो और फिर डालो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बाकी मेरे पास जो चटनी थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने कहा क्या करूँगी फ्रिज में रख के, तो वो भी मैंने पानी डाल के इसी के उसमें डाल दी थी, क्योंकि मेरे पास धनिया था नहीं उस टाइम, तो मैंने सोचा चलो धनिए का फ्लेवर भी आ जाएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी लग रहे थे ये आलू जो है, चटपटे से लग रहे थे क्योंकि चटनी का भी स्वाद आ गया था उसमें। फिर मैंने कचौड़ियाँ बनानी स्टार्ट करी, उसके लिए पहले से ही ऑयल रख रखा था, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर आप धीमी आंच पर ही कचौड़ियाँ बनाएं, तेज़ आंच पर बनाओगे तो कचौड़ियाँ ऊपर से बन जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फिर थोड़ा थोड़ा लेकर आपको स्टफिंग को भर देना है, और बिल्कुल एकदम टिक्की की शेप में आपने अपनी लोई बना ली, उसको थोड़ा थोड़ा करके बेल लीजिए ऑयल की हेल्प से, बर्तन बर्तन मत लगाइएगा वरना अच्छी नहीं बनती है कचौड़ियाँ। और फिर इस तरीके से आप गरम ऑयल में डाल दीजिए, धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर इन्हें सेक लीजिए जब तक ये लाल ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इस टाइप की कचौड़ियाँ जब खाते हो ना तो लगता है जैसे घर में कोई फेस्टिवल्स है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब विंटर होती है तब उसमें ऐसी चीज़ें आप खा भी सकते हो, समर में नहीं खाई जाती, तो विंटर के टाइम पर आप भी इंजॉय करिए, फैमिली को खिलाइए, खुद भी खाइए, कचौड़ियाँ काफ़ी यम्मी लगती हैं ये वाली, पर आप पनीर के साथ बनाइएगा तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी, इसके साथ रायता ले लीजिएगा। क्या मजेदार चीज बन रही है, ये देखो कचौड़ी। अरे वाह, आलू की सब्जी और कचौड़ी बन गई, और अरहर की दाल की। आ जाओ जल्दी से खा ले। हाँ आप लोग खाओ पहले। हाँ, एक बार आप रुद्रांश खाओ, आपकी प्लेट्स बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ हम खाते हैं, मैं भाभी तक खाऊंगी। प्लेट सुंदर है। हाँ प्लेट बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आओ रुद्रांश।
तो ये लोग तो काफ़ी मज़े से इंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। और प्रशांत को तो इस टाइप की कचौड़ियाँ पसंद भी हैं और मैं बहुत रेयर ही बना पाती हूँ, फेस्टिवल पे ही बनती है, लेकिन मिनी दीदी घर पे आ रही थी तो उनको बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने बोला भाभी मुझे कचौड़ियाँ खानी है, ये वाली आपके हाथ की मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ, उस बहाने हम लोग भी खा लेंगे। दोस्तों यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज पसंद आती होंगी तो लाइक ज़रूर करा करिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।